काफिर के लिए दुआए मगफरत कर सकते हैं या बदअकीदा के लिए दुआए मगफरत कर सकते हैं, उसके लिए क्या हुक्म है? तो हजरात मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत से फिल्मी स्टार, नेता या बड़े अमीर लोग इंतकाल कर जाते हैं तो बहुत से लोग मोहब्बत में यकजहती का पैगाम देने के चक्कर में, हिकमत आमली के चक्कर में क्या करते हैं, उनके लिए दुआए मगफरत करते हैं। हजरात ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। काफिर के लिए दुआए मगफरत आप हरगिज़ हरगिज़ नहीं कर सकते। वो चाहे फिल्मी हीरो हो, हीरोइन हो, नेता हो, अमीर हो, मालदार हो, ताजदार हो, तख्त वाला हो, माल वाला हो, ज़मींदार हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, इसमें कोई हिकमत अमली नहीं है। हद यहाँ तक है कि उलमा फरमाते हैं उनके मैयत में शामिल होने से भी गुरेज किया जाए। जैसे किसी गैर मुस्लिम का इंतकाल हो गया तो वो अपनी परंपरा के मुताबिक उनका दफन या क्रियाक्रम जो भी करते हैं वो अपने मज़हब के मुताबिक, तो उनको करने दें। भाई आपका कोई मकसद नहीं है वहाँ जाने का। तो बहुत से लोग जाते हैं, उनमें अपने आप की शमूलियत कराते हैं। उलमा फरमाते हैं उससे भी गुरेज करें, इसलिए कि उनकी तादाद में इजाफा करना है जा कर के वहाँ, समझ रहे हैं आप, गुरेज करें जाने से। ऐसे ही अगर किसी ने कर लिया दुआए मगफरत तो वो तौबा करे, और तौबा ही नहीं करेगा बल्कि अगर किसी काफिर के लिए दुआए मगफरत की है तो आप कलमा शरीफ भी पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि आपने काफिर के लिए अगर मुसलमान समझ के दुआए मगफरत की उसको, तब तो आप कलमा शरीफ पढ़ेंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए कि किसी काफिर को मुसलमान समझना भी कुफ्र है और किसी मुसलमान को काफिर समझना भी कुफ्र है। लेकिन आपने उसे काफिर ही समझते रहे कि भाई ये काफिर है, और फिर भी आपने उसके लिए दुआए मगफरत कर दी तो तौबा फिर भी लाजिम है, आप तौबा करेंगे। लेकिन अगर आपने उसको ये समझ लिया कि ये भी ईमान वाला था, ये समझ के अगर आपने ईमान वाला समझ के दुआए मगफरत कर दी तो फिर आपका ईमान ही चला जाएगा, फिर सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे ही बदअकीदा का हुक्म है। बहुत से बदअकीदा ऐसे होते हैं अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने भी फ़िरकाए बातिला हैं, मैं किसी एक फ़िरके को कोड नहीं कर रहा, बहुत से फ़िरके हैं अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितना भी फ़िरकाए बातिला हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादातर उसमें जो फ़िरके हैं वो अपने इबारतों की बुनियाद पर, अपनी अकायद की बुनियाद पर वो काफिर हैं। अगर उनकी भी आपने नमाज जनाजा पढ़ी और उनकी नमाज जनाजा पढ़ के उनके लिए दुआए मगफरत की तो यहाँ भी वही हुक्म लगेगा जो काफिर वाला था, इसलिए कि वो अपनी इबारतों की बुनियाद पर, अपने अकायद की बुनियाद पर वो भी दायरे इस्लाम से बिल्कुल खारिज हैं, इस्लाम से फारिग हैं। अब आप हिकमतन मसलिहतन दिखाने के लिए, ताल्लुकात बनाने के लिए, ख़ानदान की वजह से, पड़ोस की वजह से आप उनके जनाजों में शामिल हो गए, हद ये है कि आपने नमाज जनाजा भी पढ़ ली, तो अब अगर आपने उनको मुसलमान जान के नमाज जनाजा पढ़ ली हालांकि वो अपने अकीदे की बुनियाद पर इस्लाम से फारिग हैं, वो अपने अकीदे की बुनियाद पर इस्लाम से खारिज हैं, जैसे कि उलमा का मुत्तफ़िका फ़ैसला है हिस्सामुल हरमैन वगैरह को आप पढ़ के देख लें, तो आपने उनको मुसलमान समझ के नमाज जनाजा पढ़ी, दुआए मगफरत की, तो अब आप कलमा शरीफ भी दोबारा पढ़ेंगे, निकाह भी अगर आप बीवी वाले हैं तो दोबारा करेंगे, अगर मुरीद हैं तो बैत भी दोबारा करेंगे। इस पर बहुत बहसें हो चुकी हैं, कई साल पहले मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी वगैरह ने इस पर तो बाज़ाब्ता तौर से खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया था, और बड़े दिनों तक इसको सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया और ये बड़ी मीडिया पर भी सब चला था, ये अखबारात में ये आया था। मसला और फतवा अपनी जगह अटल है। अगर बदअकीदा की आपने नमाज जनाजा पढ़ी, दुआए मगफरत की, ये समझ करके ये भी ईमान वाला था तो आप भी फारिग हो गए, अब आपने सब कुछ काम दोबारा करना है। लेकिन आपने बदअकीदा की, आप जनाजे में शरीक हो गए, आपके जहन में ये था यकीनी तौर पर कि भाई ये बदअकीदा है, ये जहन्नमी है, फिर भी आप जो है आप उसको बदअकीदा जहन्नमी समझ के मसलियतन हिकमतन आप जो है
शामिल हो गए उसके जनाजे में, आपने दुआ मगफरत कर ली, तौबा फिर भी लाजमी तौर पर करेंगे आप, इसलिए कि आपका ये यकीन तो नहीं है कि ये ईमान वाला है, समझ रहे हैं आप, और उसमें फिर दुआ मगफरत ना करें आप। सिर्फ जनाजे में शामिल होने की मैं बात कर रहा हूं, आप किसी बदअकीदा के जनाजे में शामिल हो गए, दुआ मगफरत नहीं, इसलिए कि दुआ मगफरत तो की ही मुसलमान के लिए जाती है। अब आप कह रहे हो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यना व मय्यितना, या अल्लाह इस मुर्दे की, हमारे जो इंतकाल की गया, इसकी दुआ मगफरत फरमा। तो अगर आपने उसकी दुआ मगफरत की अगर आपने नीयत की है, तो फिर आप मुसलमान समझ रहे हैं, फिर आप इस्लाम से खुद फारिग हो जाएंगे। लेकिन लेकिन आप शामिल हो गए उसके जनाजे में और आपने उसके लिए दुआ मगफरत नहीं की, आप यही समझ रहे थे भाई ये जहन्नमी है, ये बदअकीदा है और ये अपने अकीदे की बुनियाद पर काफिर है, फिर भी आप शामिल हो गए, तौबा फिर भी करेंगे आप, समझे आप। अगर कोई इमाम है तो वो भी सुने, वो तौबा करे, और अगर किसी ने नमाज जनाजा पढ़ा दी है तो फिर वो कलमा भी पढ़े, तजदीद निकाह भी करे, तजदीद बैत भी करे। नमाज जनाजा पढ़ाने का मकसद यही है कि आपने दुआ मगफरत की है उसमें, बगैर दुआ मगफरत के आप नमाज जनाजा कैसे पढ़ा देंगे। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने गोश गुजार की। इसके कहने में मुझसे कोई ख़ता हुई हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।